बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, उनका एक सरल उनकी मांग थी कि हमें प्रमाण पत्र चाहिए, जो हमारा हक है वो हमें चाहिए। उन पर वार हुआ, लोकदल के लोग, अगले ही दिन हमने घेरा सरकार और एक एहसास कराया सरकार को कि लोकदल इसे सहन नहीं करने वाला। आज भी मैं कहता हूं अध्यक्ष जी ने ठीक कहा, एक तरफ वादा किया जा रहा है, घोषणा हो रही है, कह रहे हैं कि हम जारी करेंगे प्रमाण पत्र। चंद नेताओं को प्रमाण पत्र मिल जाने से समाज का भला नहीं होने वाला दोस्तों। जब तक समाज के एक एक नौजवान, एक एक व्यक्ति को प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा, लोकदल उनके लिए संघर्ष। और सिर्फ संघर्ष के नाते नहीं, जब जब मौका मिला कानून बनाकर आपके लिए लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। बड़े चौधरी साहब की बात करते हैं, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने क्या क्या कार्य किए, सारे कार्यों को मैं नहीं गिनवा सकता। और आज उस दौर के लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरे बुजुर्ग यहाँ आए हैं दूर दूर से, जिन्होंने कभी उनको देखा होगा, उनके साथ काम किया होगा, उनके साथ चलते थे लोग, इन्हें याद है। आज जब लोकदल की आवाज नहीं उठती है तो उनके दिलों में चौधरी साहब की वो यादें फिर ताजा हो जाती है। चौधरी साहब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग थे। आगरा विश्वविद्यालय में कोई छात्र पढ़ रहा होगा, उसकी छाती फूल जाती होगी ये सोच करके जहां मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कभी बड़े चौधरी साहब चौधरी चरण सिंह जी ने पढ़ाई करी। आज कोई नौजवान वकील वकालत कर रहा होगा तो ये सोचता होगा कि चौधरी साहब ने वकालत करी, फिर समाज के लिए काम किया, मैं भी वैसे करूं। आज कोई किसान उनको याद करता है तो सोचता है कि नहर की पटरी पे हमें अनुमति दी थी बड़े चौधरी साहब चौधरी चरण सिंह जी ने दी थी जाने, ये हमें आजादी दिलाई थी। कोई अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति सोचता है कि जब चौधरी साहब की सरकार होती थी कितना सख्त प्रशासन होता था, हमारे खिलाफ कोई उंगली उठाने कदम कोई किसी में नहीं था, भागीदारी राजनीतिक हमें दिलाई, सामाजिक सम्मान हमें दिलाया, ये भावना कोई आज अल्पसंख्यक समुदाय का आदमी होगा चौधरी साहब को याद करता होगा तो ये भावना उसके अंदर होती है। कोई दलित मजदूर जो उनको याद करेगा सोचेगा किस तरह से किस ढंग से राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए उनको जमीन का अधिकार दिलाया, किस तरह से जब पटवारियों को एक झटके में हटाया तो लेखपाल की भर्ती में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराई, अनेकों उदाहरण दे सकता हूं। चौधरी साहब अपनों को प्यार बहुत करते थे लेकिन उनका गुस्सा भी मशहूर था। बहुत लोग बताते हैं जिस पे गुस्सा हो जाते थे तो वो भी एक आशीर्वाद की तरह उसे लेता था। चौधरी साहब आदर्शवादी थे लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है जब उनको कोई राजनीतिक परिस्थितियां मिलती थी, अवसर मिलता था कि अपने लोगों का मैं फायदा पहुंचा सकता हूं तो उस पद पर रह के राजनीतिक अवसर का फायदा उठाकर उन्होंने अपने लोगों को फायदा पहुंचाया। तो लोकदल की ये पहचान है और हमने लड़ाई लड़ी और मुझे खुशी है कि मेरे 5 साल के अनुभव में कुछ ठोस कदम भी उठे हैं जिससे संसद के पारित कानून के माध्यम से हमारे लोगों को अधिकार मिल सके। एक प्रमुख कारण है भूमि अधिग्रहण, ये वो क्षेत्र है जिसने बहुत संघर्ष किया, पुराना कानून अंग्रेज बना के छोड़ गए थे हमारे लिए, कोई कानून चल रहा था। अब ये किसान आदमी जो मेहनत करता है वो जानता है किसान के पास वो शक्ति नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है। जब किसी साधारण किसान को सरकार का नोटिस आ जाता था वो ये सोच लेता था मेरी जमीन गई, कितने लोग लड़ पाते थे न्यायालय में जाकर, कितने लोग लड़ पाते थे, नहीं लड़ते 10 साल 20 साल 30 साल बाद भी, और पता लगता था कि कोर्ट का फैसला आया कि ये कानून है, इस कानून के मुताबिक सरकार चल रही है, आपकी जमीन जाए। जायज होने के बावजूद किसानों पर को दंड सहना पड़ता, किसानों की बहुत बड़ी पीड़ा थी। और ये सवाल उठता है कि एक तरफ हम विकास कहते हैं, विकास का अर्थ ये नहीं होता कि एक हाईवे बन जाए, कहीं गोल्फ कोर्स बन जाए, कहीं बड़ी इमारत खड़ी हो जाए। जो लोग वहां रहते हैं जिनका जीवन उस पर आधारित है श्रम पर, जब तक उनके पास कोई विकल्प नहीं है हम उसे एक झटके में तबाह करें, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये लोकतंत्र नहीं था और देश भर में कोने कोने में लोग संघर्ष कर रहे थे, सड़कों पे आए थे,
मुझे खुशी है कि एक प्रस्ताव संसद में मैंने रखा और मैं याद करता हूं क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नया कानून जो बना उसमें धारा 24 के तहत तमाम वो मामले जो लंबे चल रहे थे जहां 5 साल या 5 साल से पूर्व अवार्ड हो चुका था लेकिन पोजेशन नहीं लिया या जहां लोगों ने मुआवजा नहीं लिया वो तमाम विषय नए कानून के दायरे में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, ये ऐतिहासिक फैसला है। और जब इस फैसले की मुझे जानकारी मिली तो मुझे वो पल याद आए, श्री देशमुख जी ग्रामीण विकास मंत्री थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं और चौधरी साहब और कुछ किसान प्रतिनिधि उनसे मिलने गए, मेरा प्रस्ताव संसद में पेश हो चुका और उस समय एक कानून का मसौदा सरकार ने तैयार किया। तो चौधरी साहब ने उस समय उनको ये कहा था कि आप अच्छा बेहतर कानून ला रहे हैं, अच्छी बात, लेकिन सुनिश्चित करें कि उस कानून का लाभ मेरे उन किसानों को मिल सके जो आज आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो आगरा के किसान हो, चाहे मथुरा के किसान हो, चाहे देश भर के किसान हो, जो आज अपनी जमीन के लिए सड़कों पे आए। जय चौधरी जिंदाबाद, जय चौधरी जिंदाबाद। और उस समय सरकारी ड्राफ्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि पुराने विषयों को भी नए कानून के दायरे में लाया जाए, उसके पश्चात आया है और आज ये कानून का हिस्सा है। आज आपको लाभ मिलेगा, अब जबरन आपकी जमीन राज्य में सरकार कोई भी आ जाए, जबरन किसी किसान की जमीन हिम्मत नहीं है कि कोई राज्य की सरकार हमसे ले ले। ये एक बहुत बड़ा अधिकार जो आपका सुरक्षित रखा गया है। लेकिन किसानी से मैं समझता हूं कि नौजवान जानते हैं कि आने वाले समय में गुजारा नहीं होने वाला, वो चाहते हैं कि हमारे लिए विकल्प तैयार। यूपी की ओर हम देखते हैं तो यहाँ ऐसा वातावरण नहीं दिखाई पड़ता कि लोग निवेश करें, कि यहाँ लोग कारखाने लगाएं। एक साल पूर्व यहीं आगरा में एक सम्मेलन CII औद्योगिक घरानों का हुआ था, मुख्यमंत्री यहाँ आए थे और बड़ी बड़ी बातें वहां रखी गई थी। मैं तो इतना ये आंकड़ा आपके बीच में रखता हूँ कि हमारे यहाँ निवेश नहीं हो रहा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य था निजी क्षेत्र के निवेश का उत्तर प्रदेश का 2,64,000 करोड़ का, और उसके सामने सिर्फ 43,000 करोड़ आया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में और महत्वाकांक्षी उन्होंने लक्ष्य रखा, कह रहे हैं कि हर वर्ष 2,37,000 करोड़ का निवेश होगा। लेकिन भाइयों मुझे लगता नहीं है, कानून व्यवस्था को देखकर, बिजली को देखकर, गांव में कितने घंटे बिजली आ रही है, 4-3 अलग अलग गांव से लोग आए हैं, कितने ट्रांसफॉर्मर फूके हुए हैं गांव गांव में, जहां बिजली नहीं होगी, जहां सड़कें नहीं होंगी, जहां कानून व्यवस्था नहीं होगी, वहां कोई पैसा लगाएगा?